Good morning students, this is our second part explanation of chapter number 8, that is editing a worksheet. Let's continue the chapter and topic is using undo and redo feature. First, after making modification in a cell, you may wish to cancel the changes and retrieve the previous data. To undo the last actions performed, use the undo button on the quick access toolbar. Second, the redo command is used to quickly reverse the last action that you have done using undo command. Click on the redo button on the quick access toolbar. Okay, so यहाँ पे undo and redo feature हम पढ़ने वाले हैं. So undo का मतलब होता है, that means हमने जो last modification या जो last action जो भी हमने perform किया है उसको undo करना, that means उसको cancel करना. सो अगर हमने कोई भी ऐसे चेंजेस करे हैं जो हमें चेंजेस सही नहीं लगते हैं, सो उसको हम प्रीवियस डेटा में कन्वर्ट करने चाहते हैं, तो हम ये कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द अनडू बटन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन आवर क्विक एक्सेस टूल बार. नेक्स्ट, सेम ऐसा ही कुछ हमें एक बटन मिलता है, दैट इज़ रीडू बटन. एंड ये रीडू बटन हमने जो भी अनडू कमांड करके जो भी एक्शन हमने एक्शन परफॉर्म किया है उसको वो रिवर्स करेगा. सो रीडू बटन भी हमें मिल जाएगा हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में. सो जो भी हमें अनडू कमांड को आपको रिट्रीव करना है उसके प्रीवियस फॉर्म में, सो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है बटन पे, आपको रीडू बटन पे दैट इज़ अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. टिप्स, you can use the shortcut keys control plus z for undo and control plus y for redo action. So undo and redo dono hi actions hum keyboard ke through bhi perform kar sakte hain. We use some shortcut key, that is control plus z undo ke liye and control plus y redo action ke liye. Next hai, some action cannot be undone, such as clicking any command on the office button menu. If you cannot undo an action, the undo button changes into can't undo. So यहाँ पे कुछ ऐसे actions भी होते हैं हमारे जो हम undo नहीं कर सकते हैं, और वो actions होते हैं, suppose हमने office button में कोई button या कोई command हमने click किया है, like file button क्लिक किया है, फाइल ओपन करी है या फिर कुछ प्रिंट किया है, सो वो चीज़ें आप अंडू नहीं कर सकते. नेक्स्ट, सम एक्शंस सच एज यूजिंग अ फंक्शन इन अ सेल कैन नॉट बी रिपीटेड. इफ़ यू कैन नॉट रिपीट द लास्ट एक्शन, द रीडू बटन चेंजेस इनटू द कांट रिपीट. सो यहाँ पे हम रीडू एक्शंस भी, कुछ हमारे ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको आप रीडू नहीं कर सकते हैं. सपोज़ आपने किसी सेल पे कोई फंक्शन लगाया है और वो फंक्शन आप रिपीट नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग द रीडू बटन. सो अगर आप ये अंडू आपका नहीं परफॉर्म होएगा तो वो बटन आपका चेंज हो जाएगा इनटू कांट अंडू, एंड अगर आपका रीडू ऑपरेशन नहीं हो सकता है फर्दर तो वो बटन भी चेंज होएगा इनटू कांट रिपीट में. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज. यू कैन इंसर्ट ब्लैंक सेल कॉलम और सॉरी सेल्स रोज और कॉलम इन अ वर्कशीट. सो हम हमारे वर्कशीट में ब्लैंक सेल्स को या रो को या कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं. लेट्स सी इंसर्टिंग अ कॉलम. टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम, सेलेक्ट द कॉलम और अ सेल टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज़ टू बी इंसर्टेड. For example, select the column E. Click on the insert drop-down arrow in the cells group on the home tab and choose the insert sheet columns option. Excel inserts blank column to the left of column E. The entries of column E will be shifted to column F as shown in figure 8.6. सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि हम सिंगल कॉलम को कैसे इंसर्ट करवाएंगे हमारे वर्कशीट में. सो टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम इन अवर वर्कशीट, हमें सबसे पहले कॉलम या फिर उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जिस सेल के लेफ्ट साइड में हमें एक नया कॉलम को इंसर्ट करवाना है. सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कॉलम ई को सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें कॉलम ई के जगह में एक नया कॉलम चाहिए है. सो यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉलम ई को सेलेक्ट किया है, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सेल्स, हमें क्लिक करना है ऑन द इंसर्ट बटन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल्स ग्रुप ऑफ ऑन द होम टैब. एंड जैसे ही हम उस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे
वहाँ पे हमें एक बात ऑप्शंस मिलेगा, दैट इज़ इंस बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. सो उनमें से हमें एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है, दैट इज़ इंसर्ट शीट कॉलम्स. सो जैसे ही हम इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वी विल सी दैट अ न्यू कॉलम इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ कॉलम ई. और आपका जितना भी कुछ कॉलम ई में पहले एंट्रीज दिख रही थी, वो सारे कॉलम एफ में शिफ्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है टिप्स टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम रोज और सेल्स. सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रोज सेल्स दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट. सो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने सिंगल कॉलम को इंसर्ट करवाया है, तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम या रो को या सेल को इंसर्ट करवाना है, तो उतने ही नंबर ऑफ रोज कॉलम और सेल को हमें सेलेक्ट करना होगा. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर हमें थ्री रोज या थ्री कॉलम्स या थ्री सेल्स को इंसर्ट करवाना है, तो हमें थ्री कॉलम को सेलेक्ट करना होगा टू इंसर्ट थ्री कॉलम्स इन अवर वर्कशीट. एंड इफ़ यू वांट टू इंसर्ट थ्री रोज, तो हमें थ्री रोज को सेलेक्ट करना होगा. इन दैट सेम वे, अगर हमें थ्री सेल्स को इंसर्ट करवाना है, तो हमें थ्री सेल्स को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट है टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट कॉलम्स, होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट कॉलम्स. सो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें नॉन एडजेसेंट ऐसे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है जो नेबरिंग नहीं है, जो एडजेसेंट नहीं है, सो उनको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की का बटन की का यूज़ करेंगे. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने ए सी एंड ई को कॉलम ए सी एंड ई को हमें सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द कॉलम ए एंड देन प्रेस योर कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड एंड उसको होल्ड करके रखना है. एंड उसके बाद आपके जो अदर दो कॉलम्स हैं, दैट इज़ सी एंड ई, उसको क्लिक करिए एंड वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है यू कैन इंसर्ट अ रो बाय सेलेक्टिंग द रोज एंड देन चूजिंग सॉरी यू कैन इंसर्ट अ रो बाय सेलेक्टिंग द रो एंड देन सेलेक्टिंग इंसर्ट देन इंसर्ट शीट रो इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. सो जैसे हमने अभी कॉलम को इंसर्ट करवाया, दैट सेम मैनर वी कैन इंसर्ट रो एज वेल. सो अगर आपको रो को इंसर्ट करवाना है, तो सबसे पहले आपका रो सेलेक्ट करिए, जहाँ पे भी आपको रो इंसर्ट करवानी है वहाँ पे कर्सर प्लेस करिए एंड देन क्लिक करिए आपका इंसर्ट पे एंड देन आपको इंसर्ट बटन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब. एंड जैसे ही हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. उन ऑप्शंस में से हमें ऑप्ट करना है इंसर्ट शीट रो. ओके, सो नेक्स्ट इज़ कॉपिंग एंड मूविंग डेटा. कॉपिंग रिफर्स टू डुप्लीकेटिंग डेटा, दैट इज टेक्स्ट नंबर्स फॉर्मूलेज ईदर इन सेम वर्कशीट और इन डिफरेंट वर्कशीट. मूविंग रिफर्स टू चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द डेटा ईदर इन सेम वर्कशीट और इन डिफरेंट वर्कशीट. Use copy and paste commands to copy the data and use cut and paste command to move the data. These commands use Windows clipboard. Okay, so next jo hamara hai, that is copying and moving data. We all are very much familiar with this feature. So copying ka matlab hota hai ki hum kisi bhi data ki ek duplicate copy create karenge and that duplicate copy can be paste or can be located to multiple locations, maybe in that same worksheet or maybe it can be placed to some other worksheet as well. So now next jo hota hai, that is copy hum karne ke liye do options perform karte hain, that is copy and then paste command. That means hum pehle hamare selected text ko copy karenge and then hum usi copy text ko hum paste karenge to the new location jahan pe bhi aapko chahiye hai, uski requirement hai. नेक्स्ट होता है, दैट इज़ मूविंग. मूविंग रिफर्स, दैट मीन्स हम किसी भी डेटा की पोजीशन को चेंज करेंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रीलोकेट द डेटा, द सेलेक्टेड डेटा. इट मे बी ऑन द सेम वर्कशीट और इट मे बी इन सम डिफरेंट वर्कशीट. सो मूविंग ऑप्शन ऑपरेशन हमें करने के लिए हम दो कमांड यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कट एंड पेस्ट कमांड. सो ये दोनों ही हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ये हमारा विंडोज़ के क्लिपबोर्ड को यूज़ करते हैं. लेट्स सी नाउ कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा. फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू कॉपी, फॉर एग्जांपल B4 टिल D4. सो यहाँ पे हम लोग एक सेल या फिर एक रेंज ऑफ सेल को कॉपी करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सपोज वी आर गोइंग टू कॉपी द रेंज, दैट इज़ B4
टू डी फोर, दैट मीन्स हम बी फोर से लेकर के डी फोर तक के सारे डेटा को हम कॉपी करने वाले हैं. नाउ क्लिक ऑन कॉपी बटन इन द क्लिप बोर्ड क्रोम, द मूविंग डैश लाइन विल बी अपियर अराउंड द सिलेक्टेड सेल. ना आपका जो भी डेटा या सेल है वो सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्लिक करना है ऑन द कॉपी बटन दैट वी गेट ऑन द आवर क्लिप बोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. जैसे ही हम कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे एक डैश लाइन मूव होएगी हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट के अराउंड. एंड देन सेलेक्ट द सेल F6 एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप, द टेक्स्ट विल बी कॉपी टू द न्यू लोकेशन. अब हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर मूविंग टू अ कम्प्लीट न्यू लोकेशन दैट इज़ सपोज टू बी F6. एंड F6 में हम प्लेस करेंगे हमारा कर्सर एंड देन हम क्लिक करेंगे ऑन द बटन पेस्ट बटन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्लिप बोर्ड ग्रुप. जैसे ही हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमारा कॉपीड टेक्स्ट जो था वो एक नए लोकेशन में अब पेस्ट हो चुका है. नेक्स्ट इज इफ़ यू वॉन्ट टू पेस्ट द सेम डेटा रिपीटेडली क्लिक ऑन पेस्ट बटन अगेन. सो यहाँ पे अगर हमें हमारे कॉपी डेटा को अगर आप मल्टीपल जगह पे चाहते हैं पेस्ट करना तो हम वो भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग अगेन एंड अगेन ऑन द पेस्ट बटन एंड हमारा नए नए जगह पे वो कॉपी डेटा पेस्ट होता जाएगा.